नमस्कार, अर्ली टाइम में आपका स्वागत है। इस वक्त हम जम्मू जनरल बस स्टैंड में मौजूद हैं। यहाँ पर जो जम्मू जनरल बस स्टैंड के अंदर के जितने भी शॉपकीपर्स एसोसिएशंस हैं, उनका उनके कुछ विरोध जो विरोध प्रदर्शन वो कर रहे हैं, और उनके कुछ उनका नाराज़गी भी है एडमिनिस्ट्रेशन से। उनकी नाराज़गी एडमिनिस्ट्रेशन से ये है कि होलसेलर्स जो हैं उनको तो 5 दिन के लिए दुकान खोलने की इजाज़त दी गई है, लेकिन जो रिटेलर्स हैं उनको जो है अल्टरनेटिव डे में जो खोलने की इजाज़त है दुकान को, जिससे कि 3 दिन, जिससे उनकी जो है दुकानदारी में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और उनका उनके कुछ डिमांड्स भी हैं। आइए इसी सिलसिले में बात करते हैं हम इनके कुछ मेंबर्स से। सर जी, आपका नाम? मेरा नाम प्रधान रमेश कुमार टाक, प्रेसिडेंट ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन जनरल बस स्टैंड जम्मू, और सीनियर सोशल एक्टिविस्ट। मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट के आगे, जनाब जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके आगे ये अपील करना चाहता हूँ। जनाब हमारे डीसी साहब हैं अंशुल गर्ग जी, और जो हमारे डिव कम हैं राघव लंगर जी, उनके आगे जो मैं आपके माध्यम से ये बात रखना चाहता हूँ कि जो जम्मू में जो इन्होंने ऑर्डर निकाला हुआ है, जो होलसेलर हैं उनके लिए इन्होंने 5 दिन खोलने का ऑर्डर निकाला हुआ है, जबकि जो परचून के दुकानदार हैं, छोटे मोटे जो भी दुकानदार हैं, उनके लिए उन्होंने 1 दिन छोड़ के 1 दिन खोलने का ऑर्डर दिया हुआ है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि उनको भी उसी तरीके से उसी श्रेणी में रखा जाए जिस श्रेणी में उन्होंने होलसेलर में रखा हुआ है। जैसे कि होलसेलर वाले 5 दिन खोलते हैं, और जो हमारे परचून वाले हैं वो 5 दिन नहीं खोलते हैं। तो मैं उनके आगे ये अपील करना चाहता हूँ, इनके आगे भी मुलाज़िम हैं, खुद इनकी फैमिली है, और 3 दिन 4-4 फैमिली आगे पल रही है, तो उनके बारे में थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो इस तरीके से किया जाए कि 5 दिन इनको भी खोलने का ऑर्डर दिया जाए, और शनि और आतवार को पूरी जिस तरीके से पिछले संडे को और सैटरडे को लॉकडाउन रखा था, उस तरीके से पूरा लॉकडाउन रखें ताकि कोई भी बाहर ना निकले, और उससे यह है कि कोरोना की चेन टूट सके। और दूसरा, मैं अपने जो दुकानदार हैं जितने भी हैं जम्मू के परचून वाले या होलसेलर हैं, वो अपनी अपनी दुकानों में सैनिटाइजर रखें। कोई भी ग्राहक आता है पहले उसको हाथों में सैनिटाइजर दें, और सैनिटाइजर करने के बाद जब वो दुकान के अंदर आता है उसको सोशल डिस्टेंसिंग के में रखें, और उसको सामान देके फिर दूसरे ग्राहक को बांटें, ताकि उनसे ये होगा कि कोरोना की चेन टूटेगी और हमारे लोगों का कारोबार भी चलेगा, क्योंकि इस वक्त व्यापार पूरा ठप हो गया है, व्यापारी आदमी बिल्कुल ठप हो गया है। ऊपर से GST की मार है, बिजली के किराए हैं, पानी के बिल हैं, ये भी इन लोगों को थोड़ी सी रियायत देनी चाहिए, ताकि गवर्नमेंट को ये चीज़ देखना चाहिए कि कोई भी गवर्नमेंट होती है ना, उसका ये काम होता है कि लोगों को सहूलतें देना, ना कि उनसे सहूलतें सारी छीन लेना, ताकि हम लोग अपना कारोबार करेंगे, रोटी कमाएंगे तभी हम खाएंगे, जब हम कमाएंगे कुछ नहीं तो खाएंगे क्या, और मुलाजमों को क्या देंगे। जैसे कि ऑल्टरनेटिव डे के लिए उन्होंने एक रोस्टर बनाया है, पर वो रोस्टर की वजह यही थी कि ज़्यादा दुकानें ना खुलें और ताकि ज़्यादा लोग भीड़ जमा ना हो। लेकिन अब जैसे आपकी अपने कुछ एतराज़ हैं, नाराज़गी है, लेकिन फिर वे किस तरीके से फिर इसको मैनेज किया जाए? मैं राजन गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन जनरल बस स्टैंड जम्मू। सर बात ये है कि आप क्या सोच रहे हो कि आप वेयर हाउस जब 5 दिन खुला होता क्या उधर रस नहीं होता? क्या बाड़िया मल्ला में 5 दिन वहाँ खुला है क्या वो रस नहीं होता? और जहाँ की जहाँ जहाँ होलसेल मार्केट है क्या वहाँ रस नहीं होता है? वहाँ बहुत रस होता है। एक्चुअली हुआ क्या है कि जो रिटेल कस्टमर जिसने रिटेल सामान लेना था वो भी उनके पास चले जाता है। आज हमारे यहाँ पे बस स्टैंड में दुकानें कितनी खुली हैं अभी तक, आप हर किसी दुकान पे जाके पूछ सकते हो कि सुबह की बोनी की है या नहीं की है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि वो दुकानें 5 दिन हफ्ते में खुलती हैं, और वो उनको कस्टमर ये भी सोचता है कि इनको इधर से माल आसानी से मिल जाएगा, वैरायटी भी मिल जाएगी, हम लेके चल जाएंगे, वो उधर से लेके चल जाता है। इसका रीज़न बहुत बड़ा है। ये हम चाहते हैं कि कम से कम 5 दिन हमें भी मौका दीजिए, 5 दिन उनको जब होलसेलर को दिया है मौका तो, और ऐसा हमें हमारे साथ भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि क्या हमारे परिवार नहीं है क्या? क्या होलसेलरों के बड़े परिवार हैं क्या? क्या उनके बड़े मुलायम हैं? हमने भी मुलायम रखे हुए हैं, और हमारा भी परिवार है, हम भी आगे फैमिली पाल रहे हैं, तो हम कैसे गुजारा पता करेंगे, अपनी फैमिली कैसे चलाएंगे? सरकार होलसेलरों की सोच रही है तो कम से कम रिटेल दुकानदारों का भी सोचना चाहिए, इनका कैसे गुजारा होगा। इस तरह से जैसे आपके अपने जो विरोध है एक, तो इसको लेकर आपकी भी अपनी एसोसिएशंस होंगी, तो उससे एसोसिएशन में कभी इस बात को मुद्दे को उठाकर किसी तरीके से कोई हल निकालने की कोशिश की गई कि अगर जो आपको परेशानियां जिस तरह से आ रही हैं? देखिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा नाम प्रवेश वाली, मैं ट्रेडर एसोसिएशन बस स्टैंड का मेम्बर हूँ। मैं ये बात कहना चाहता हूँ,
कि मैं अलजीज आपसे अपील करना चाहता हूँ, एक बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जहाँ पे लोग बाहर से आ रहे हैं, कोई यूपी से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई श्रीनगर से आ रहा है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, तो जहाँ पे अगर कोई आएगा, किसी ने खाना खाना है, किसी ने कुछ सामान लेना है, मैं अलजीज साहब से अपील करना चाहता हूँ जो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन को एजेंशियल कमिटी में ऐड किया जाए, जो 24 घंटे खुले रहने चाहिए बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन, ताकि जहाँ पे लोग बाहर से आ रहे हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ये जो होलसेलर दुकानदार हैं, ये तो सबको पता है कि किस दिन खुलते हैं किस दिन नहीं खुलते हैं। अगर हमारा कोई ये हमारा बस स्टैंड हो गया या रेलवे स्टेशन हो गया जहाँ पे लोग बाहर से आते हैं, उनको नहीं पता है कि स्टेट में किस दिन कौन सी दुकान खुलेगी। इसलिए मैं एलजी साहब और गवर्नर एलजी साहब से और डीसी साहब से अपील करना चाहता हूँ बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन को 24 घंटे खुला रखा जाए, ताकि जो लोग हमारे बाहर से आ रहे हैं उनको परेशानी ना हो, क्योंकि जहाँ पे जो बाहर से आएगा उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अगर दुकानें बंद है वो खाना कहाँ खाएगा, ना वो किसी के घर जा सकता है, ना किसी को जानता है। अगर लोकल बंदा है, अगर कोई दुकानदार है, उसको तो घर पास में वो वहाँ खाना खा लेगा। अगर होलसेलर है वो भी तो उसी एरिया में रहता है, लेकिन एक बंदा अगर जो यूपी से आया हुआ है, बिहार से आया हुआ है, जो 2000 किलोमीटर, वो कहाँ खाना खाने जाएगा? उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या इंतजाम किया हुआ है? अगर गवर्नमेंट इंतजाम नहीं कर सकती, मैं अलजी साहब से अपील करना चाहता हूँ कि जो बस स्टैंड में जितने भी होटल हैं, दुकानें हैं, उनको एजेंशियल कमिटी में लाया जाए, उनको 24 घंटे खुला रखा जाए, ताकि बाहर से आने वाले लोगों को कोई परेशानी फेस नहीं करनी पड़े। जैसे कि आपने अभी देखा कि जो जनरल बस स्टैंड के जितने भी यहाँ पर शॉपकीपर्स हैं, उनका कहना है कि जो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड को जो इस तरह के जो उन्होंने तरीका बनाया रोस्टर वाला, इससे एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए, क्योंकि लगातार व्यापारियों का जो टूरिस्ट लोग हैं उनका आना होता है यहाँ पर, और उनकी जगह अगर सुविधाओं के लिए उनकी चीज़ों की अगर उन्हें ज़रूरत है, अगर दुकानें बंद रहेंगी तो उनको भी मुश्किलें हैं, और उसके साथ साथ जो यहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं, दुकानदार लोग हैं, उनको तो नुकसान है ही, क्योंकि उनके साथ उनके और भी जितने भी एम्प्लॉयज उनके साथ जुड़े हुए हैं, और इनकी लगातार यही एडमिनिस्ट्रेशन से और जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी डिमांड है कि उनको इनके इस बारे में सोचा जाए और उनको इस तरीके से थोड़ी राहत दी जाए।